लैला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप चुप के क्या खा रही हो? कुछ नहीं, बस डैड के सीक्रेट सेफ को खत्म कर रही हूँ। ये सब चीजें तुम्हें नहीं खानी चाहिए, लाओ मुझे दो। आप क्या करोगे इनका? इन्हें फेंक दूंगा, और क्या। फेंकोगे क्यों, ये ठीक नहीं। ठीक है, बच्चों में बांट दूंगा, लाओ मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। देखो, मैंने मान लिया कि मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मुझे खाना है सनम का। जिंगल अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखो मेरी जान, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुम कोई एक्सपीरियंस कंपोजर नहीं हो, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, ठीक है? तुम फार्म क्यों नहीं चली जाती? मैं थोड़ा बिजी हूँ, वरना मैं खुद तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वही तो। अच्छा है, तो मैं फार्म ही चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, चली जा। इसे मैं ले लेती हूँ। रुको रुको, क्या कर रही हो? रास्ते में खा लूंगी। बस करो, बहुत हो गया। ड्राइवर को भी दोगी? ठीक है ना, ठीक है। क्या अजीब फैमिली मिली है मुझे। एक मैं खा लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये जान खा सकता है, मैं चलती हूँ, बाय। लैला को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तो गलती से हमें इस सेलिंग क्लब का कमर्शियल मिला है, और ऐसे वक्त में ये मिस्टर जान गायब हो गए। कमाल है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। और तो और, मिस्टर अजीज भी घर पर नहीं है। जे जे, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये लोग अपने जॉब में इतने सीरियस नहीं है जितने कि हम हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों मिलकर कुछ करते हैं, तुम, मैं, मिस डरेन। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं मोजो, कैसे कर सकते हैं? हमारा सेलिंग एक्सपीरियंस सिर्फ इतना है कि हम फेरी से सिटी की दूसरी ओर जाते हैं और वहाँ जाकर चाय पीते हैं। काम डाउन, तुम बहुत स्ट्रेस देते हो सबको। मैं नहीं हो सकता काम, मैं चाहता जरूर हूँ पर नहीं हो सकता। मिस डरेन, मुझे काम होने के लिए मत बोलो। नहीं, अरे जान का कॉल नहीं लग रहा, किसी को पता है वो कहाँ गए हैं? हाँ, कोई तो आया जिसे उसकी गैर हाजिरी से फर्क पड़ता है। लगता है तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैं मिस्टर अजीज से बात करती हूँ। लो, ये भी चली गई। देखो जेजे, ये भी चली गई, पैनिक मत होना प्लीज। मैं एक अच्छे सेलर को जानता हूँ जो हमारे काम आ सकता है, बहुत एक्सपीरियंस है वो। तो चलो चलकर उससे मिलते हैं, मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो उससे मिली जाएगी। हमें एक बार चलकर कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्यों? हम ऐसे हार नहीं मान सकते। पता है मेरा दिल क्या कहता है? कि ऊपर वाला भी हम तीनों के साथ है, बस हमें वहाँ पर जाना चाहिए, वरना ऊपर वाला कैसे मदद करेगा। अच्छी बात है, वैसे भी मैं पक गई हूँ इस शोरगुल से, चलो चले। अप्रूवल भी मिल गया। चलो जेजे, अब तुम तैयार हो जाओ। हल्ला बोलते हैं, हम होंगे कामयाब। हाँ, कितना ड्रामा करता रहता है ये। किसी को खुद पर कंट्रोल नहीं है। उनकी कार तो यहीं पर है, पर वो यहाँ नहीं है। शायद वो सो रहे, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहे, पर वो इस वक्त नहीं सोते। शायद कहीं गिरकर बेहोश हो गए होंगे, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा। सनम, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं उन्हें बचाऊंगी। जान, 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 शायद वो इस बात से अपसेट हो गए होंगे कि तुम उन्हें किस करके भाग गई। उसने सोचा होगा कि तुम्हारे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। नहीं, देखो उनकी सूटकेस यही है, वो कहीं नहीं गए हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पैक करके वेकेशन पर गए हैं, वो ऐसे ही चले गए होंगे। ऐसा तो वो कई बार कर चुके हैं इससे पहले भी। नहीं नहीं, उनका नेकलेस और उनकी रिंग यहीं पर है, वो इनके बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो हमने ये सब जान के लिए खरीदा है, वही ये सब सामान लेकर आए थे। बहुत अच्छे, सही किया आपने। और तुम? मैं वो अपने कपड़े धोने जा रही थी, तो मैं यहाँ आ गई पूछने के लिए कि आपको कोई मदद चाहिए। आखिरकार हम पड़ोसी जो ठहरे, तो पूछना पड़ता है ना। सनम, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम पुतले से बात कर रही थी। हाँ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, उतना जरूरी नहीं है। वो तुम उससे क्या बात कर रही थी? थेरेपी थी, वही जानना है। डेनिस ने एडवाइस दी थी कि खुद से ही झगड़ा करूं उससे। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मैं जान को ढूंढ रही थी। उनका फोन कब से बंद आ रहा है, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? मेरा भी फोन नहीं लग रहा, लेकिन कल वो थोड़ा सा उदास दिख रहा था, कुछ हुआ था क्या? क्या तुम जानती हो?
नहीं, मैं तो बस उन्हें अपने पर्सनल काम से नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं वो एजेंसी के काम से ढूंढ रही थी, हमें मीटिंग करनी है ना, इसलिए। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे और जान के बीच में कुछ स्पेशल चल रहा है जो हमें नहीं पता है। नहीं मिसेस मेरेबन, मिसेस मेरेबन, आप मुझे जानती नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर एम्बैरस मत कीजिए। ये मैं बाद में ले जाऊंगी, अभी इसे धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साफ है। दरअसल आपका बेटा इसे अपने प्यार में क्रेजी कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन क्या प्यार भी एक तरह का पागलपन नहीं होता? चलो छोड़ो इनको। हाँ बस यहाँ रोक दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओह सनीम, लैला, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लैला, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? नहीं यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। हाँ मिस्टर इरफान, ठीक है, हम समझ गए, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है। अब ऐसा करते हैं कि सीधा पॉइंट पर आते हैं, सेलिंग की बात करते हैं। सुन रहे हैं ना आप, सेलिंग की बात, समंदर और सेलर की बात। चलो यहाँ बैठ, हमारे यहाँ समंदर है, वो भी मरमरा समंदर, टेस्टी मछलियाँ होती है। तुम लोग यहाँ शूट करने वाले हो क्या? जी मुझे ये क्या कह रहे हैं? यही कि अगस्त के महीने में शूट करो। क्या शूट करोगे? आप कहना क्या चाहते हैं? मछली, मछली। अच्छा अच्छा, मछली की शूटिंग की बात कर रहे हैं। एक अच्छे सेलर, एक रियल कैप्टन की शूट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग एक बहुत बड़ी स्केल पे शूट करेंगे, वो भी सेलिंग की। क्या कहा? मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की। मुश्किल होता है, सितंबर तक फिशिंग नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करते। आप सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं वो हमें बताइए ना, समुंदर की लहरें, बड़ी बड़ी मछलियाँ। क्या कह रहे हो? समंदर की बात कर रहा हूँ मैं, समंदर की। अब मैं क्या बताऊँ आपको, समंदर ने सारी मछली खत्म कर दी, सारी। कैप्टन, बड़ा आसान सवाल है, क्या आपने कभी सेलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है? हाँ, ये अच्छी बात कही। मेरी सारी इच्छा खत्म होने के बाद मैं हमेशा मछली सेल करता रहूं। मैं अपनी जिंदगी समंदर के भरोसे जीता हूँ। अपने कस्टमर को हम ऐसे ही कॉल नहीं करेंगे, बहुत अच्छा किया मुझो। समंदर सबसे अच्छी जगह है, वक्त के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। सेलिंग क्या चीज होती है तुम्हें क्या पता? कहाँ जा रहे हो जेजे, सुनो मेरी बात। कह रहे हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं देखो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, भरोसा करो। ये कहाँ चला गया? पहली बार मुझे जेजे की बात एकदम सही लग रही है। आप तो बहरे, आपको कुछ सुनने में नहीं आता, दिमाग खराब हो गया मेरा बोल बोल के आपको। क्या 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 कर रहे हो बस, इनका दिमाग भी समंदर में खो गया लगता है। मशीन लगाओ कान की। बस भी करो सनीम, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल डालो, ठीक है? मैं सुन रही हूँ। मैं बताती हूँ, लेकिन मुझ पर गुस्सा मत करना, ठीक है? बोलो तो, काम डाउन। ठीक है बोलो, मतलब तुम जान के साथ फिर से? हाँ, मैंने उनको किस कर दिया था, वो भी लिप्स पर। देखा तुम चिल्लाए ही ना, मैंने बताया था। क्या बकरी हो तुम, तुमने उसको किस किया, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता कैसे, मुझे बस लगा और मैंने कर दिया। फिर आगे क्या हुआ बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें पुश कर दिया और वहां से भाग गई, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे और मुझे परेशानी हो रही है कि वो कहाँ होंगे। तुम इतनी सारी बेवकूफियाँ एक ही वक्त पर कैसे कर सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, किसी इंसान को किस करो और उसके बाद उसे पुश करो और वहाँ से भाग निकलो, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना। अब पता नहीं जान कहाँ गए होंगे, कहीं वो भाग तो नहीं गए होंगे ना। अगर वो चला गया मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, उसको पूरा हक है ये करने का, तुम भी अजीब ही हो। मेरे दिमाग से बोझ उतर गया है। गुड, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तुम जैसी बहन हो तो अच्छा ही। हाँ, लगेगा मेरी बहन। अरे तुम कहाँ चली, रुको मेरे लिए रुको। मुझे जाना होगा, मैं जाकर जरा रिलैक्स होकर आती हूँ। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ और तुम जा रही हो। मुझसे कह सकती हूँ? वैसे वो कहाँ गई? तुम तो एक साइकोलॉजिस्ट हो ना? हाँ। वेरी गुड, आओ मेरे साथ, अभी वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ वक्त तो है। ठीक है मिस डैरन, आपने मुझे को कहीं देखा क्या? वो जीजे के साथ समंदर पर गया है, कह रहे थे किसी आदमी को जानते हैं उसी से मिलने। यार जीजे मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करें, हमें किसी न किसी की मदद तो चाहिए ना। मदद करेगा, वो कोई सेलर नहीं था, वो एक फिशरमैन था, समझा करो जरा। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मछलियाँ तो पकड़ता ना, समंदर के पास रहता है, बस उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अरे क्या वो कहाँ ले जा रही मुझे? अरे सनीम सिचुएशन को समझ गई है, अब ये इसको वार्न करेगी देखना। मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन उसका रीजन मुझे प्लीज मत पूछना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बताओ क्या बात है, बोला। मान लो कि किसी लड़की ने तुम्हारे लिप्स पर किस कर दिया और उसके बाद तो ऐसी कोई जिसे मैं जानता हूँ? हाँ
क्या वो लड़की मिसेस मेलहार जैसी होगी क्या? मुझे वैसी लड़की पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम प्यार करते हो उसने तुम्हें किस कर दिया तो? गुलीस। हाँ हाँ हाँ, उसने अगर तुम्हें किस कर दिया और बाद में उसने तुम्हें पुश करके वो वहाँ से तुमसे पीछा छुड़ा कर भाग गई तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? तुम्हें क्या शर्म आएगी या फिर तुम उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाओगे? मुझे बताना क्या करोगे? कैसा लगेगा मुझे? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं उसके गाल पर एक जोरदार चमाट मारूंगा। मुझे इतना गुस्सा आएगा ना कि मैं अपनी सारी पुरानी अच्छी यादें भूल जाऊंगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं उससे कहूंगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, सब भूल जाओ, मुझे किस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे किस करने से मेरा मन नहीं बदलेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिमाग है, और दोनों मुझे ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि तुम दफा हो जाओ। मुंह पे दरवाजा बंद कर दूंगा उसके। तुम भी मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ सनम? ये तो बहुत डिस्ग्रेसिंग है और टची भी है। अब मैं क्या करूं? अगर गुलीस का मैसेज आया होगा तो उसे बोल देना कि मैं उसे भूल गया हूं। शक्ल मत दिखा अपनी, गुलीस को बोलना भूल हो जाए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। क्या बोलूं यार, पुराने जख्म छेड़ दिए सनम ने, मैंने दवा लगा लिया। हेलो, कैसी हो लैला? ठीक हूँ, लेकिन तुम गुलीस के बारे में क्यों पूछ रहे थे उससे? मुझे लगता है कि उसने सनम को मैसेज भेजा है। क्या करे, मैं हूँ इतना अच्छा, उसे मेरी याद आ गई होगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है ये। गुलीस को मेरे बगैर जीना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। मुझे सही कह रहा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ सही कहा। आ सनम, जॉन, 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 क्या वो अभी किस नहीं करोगी? नहीं, अरे बाप रे, क्या सरप्राइज दिया मैंने। आप लोग तो सरप्राइज हो गए थे ना कि मैं कैसे अपने बिजनेस पार्टनर से अचानक कैसे लिपट गई। आप सरप्राइज तो नहीं हुए? ये तो बहुत शॉकिंग था। क्या कुछ तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो इस बारे में? मैंने उनको हक किया, मतलब मैं सब जानती हूँ, मुझे मुझे हर चीज पता है, पूरी डिटेल में मैं सब जानती हूँ, मुझे हर चीज पता है, हर चीज पता है। तुम खुद को रोक नहीं सके और सनम को सब कुछ बता दिया। तुमने बता दिया ना सब कुछ उसे? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ 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 राइट, मैंने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो क्या न्यूज थी, वो सरप्राइज जो हम रिवील करना चाहते थे इनके सामने? गाइस, वो क्रीम का केस खत्म हो गया है और अब जमाल नाम की मुसीबत भी नहीं रही। अब तो किस डिजर्व करता हूँ मैं? मजाक मत कीजिए। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने इन्हें फिर से हक क्यों किया, मुझे पता था। और हर बार मैं जब भी ये खबर सुनती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जैसे मैंने पहली बार ही सुन लिया है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाती। सही है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? उनके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए केस कर दिया उनपे। उन्होंने उसका ऑफिस सील कर दिया। अच्छा, मतलब केस खत्म हो चुका है अब। आप ग्रेट हो मेरे भाई। हाँ, सच में फैंटास्टिक, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और हाँ, इगित मेरे लिए एक खत छोड़कर गया है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, इसीलिए अब मेरा एक नया पब्लिशर होगा, एक अमेरिकन, इसीलिए आज के बाद सारी खबरें अच्छी होंगी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर से लिपट गई हूँ इसे। मैंने फिर से ऐसा कर दिया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हमें गुड न्यूज मिली। तो मैं अपनी नई कैंपेन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ रिगाटा के कमर्शियल के लिए। हमें इसके लिए बहुत काम करना होगा, तो मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है कि आप मिलकर काम करेंगे। रिगाटा कैंपेन, रिगाटा कैंपेन, ब्रावो ब्रावो। मैं ये फिर से नहीं करने वाली, रिगाटा कैंपेन, मुझे ये सब पता था।
गॉड, मैंने उस आदमी की बात क्यों नहीं मानी जिसे रास्ता पता था? इस फोन पर क्यों भरोसा कर लिया मैंने? हुमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस क्राउन के साथ मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ मेरी जान। ओहो, तो मैं अभी भी इन लवर्स के एरिया में ही हूँ। हम फिर से आमने सामने आ गए हैं। मैं इतने सालों से तुम्हारी वाइफ रही, तुम्हें दो बेटे दिए, तुमने मुझे हमेशा कांटे दिए और इसे ताज पहना रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है अजीज। अब मजा चखाती हूँ तुम्हें। आवाज दे रहा है पर देखो चलो चलते हैं देखते हैं। अरे कौन है? अरे ये तो हुमा है। इसे क्या हुआ? ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? गिर गई आप? मेरा एंकल मुड़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दीजिए एक बार, आप हाथ मत लगाइए प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम खड़ी हो सकती हो? मैं कोशिश करती हूँ। तुम खुद चल पाओगे अपने कदमों से? कोशिश करती हूँ। रुको, आराम से। ओके, अब मैंने शायद तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोग जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सो मच। ठीक है तो चलो डार्लिंग, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। हाँ, चलते हैं अपने रास्ते। चलिए चलो। अचानक से मैं तो चल ही नहीं पा रही। क्या होगा अब अजीज? क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ, उनका हाथ पकड़ो, आराम से। चलो पकड़ो। ओ, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। ऐसे पकड़ लो उन्हें। ऐसे पकड़ लो। क्या तुम? अगर इतना दर्द है तो बहुत दर्द हो रहा है। आस्ते, धीरे धीरे। अजीज, अगर हम जवान होते तो तुम मुझे गोद में उठाकर ले जाते, है ना? जवानी का जोश अब नहीं रहा मुझमें। तब तुम पतली थी, अब नहीं उठा पाऊंगा मैं। मैं क्या मोटी लग रही हूं? बहुत ज्यादा, शायद उम्र का तकाजा है। हाँ, आराम से, आराम से। धीरे उठाओ, उठाओ, सबको उठा लो। मुझे छोड़कर ये हमेशा तंग करती है, पागल कहेंगी। जान, तुमने मुझे हक क्यों किया? ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। तुम्हें लगा मैं फिर से चला गया ना? नो। तुम डर गई थी? नहीं। आज मौसम अच्छा है, राइट? नहीं। हाँ, वो मौसम काफी अच्छा है मिस्टर जान, पर आज हमें बहुत काम है तो थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। हाँ मिस्टर जान। हाँ, वो हम बिजनेस पार्टनर है ना, इसलिए। हाँ, बिजनेस पार्टनर, सही कहा। तो मीटिंग में चले बिजनेस पार्टनर। अजीज, जरा उसे उठा देंगे प्लीज। ये वाला आइस पैड यूजलेस है, देखिए ना, इसके अंदर भी बर्फ पिघल गई है। मैं आपके लिए नया लेकर आती हूँ, डोंट वरी। आपको अच्छे से बर्फ का सेक लगा दूंगी, आपकी सूजन कम हो जाएगी। दीजिए। अरे क्या हुआ? सूजन हट जाएगी इससे। मेहरबान, मुझे सब समझ में आता है, इतनी चालाक मत बनो। Hello guys, hello, hello. Oh my God. मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप सच में यहीं पे हैं? आइए स्टेप डैड, कम ऑन। कितने दिनों बाद मिलने आए आप? कहाँ थे आप? बहुत मिस किया मैंने आपको। कहाँ थे आप, बताइए? पोर्टो रिको से यहाँ कब आए तुम मेरे दोस्त? यार बस तुम्हारी याद आई तो चला। आप भी ना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सलेम, तुम वैसे के वैसे ही हो। कल रात को डिसाइड किया,
रात को ही डिसाइड किया। थैंक यू सो मच। अरे तुम तो वैसी की वैसी हो। यहाँ चेंज सिर्फ मैं हुई हूँ और कोई भी नहीं। नहीं मेरी जान, तुम तो इतनी ही सुंदर हो जितनी पहले हुआ करती थी। खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, आइए। बैठो। एक मिनट, आपको भूख लगी होगी या कुछ पीने के लिए लेकर आऊँ? हाँ अभी ताज़ा नींबू शरबत लेकर आती हूँ। मेरी जान, तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं तुम लोगों से मिलने आया था, जल्दी चला जाऊंगा। ये बात ठीक नहीं है, आपको यहाँ रहना होगा। मुझे कुछ काम है, मुझे वो जल्दी खत्म करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और टाइम स्पेंड करूंगा तुम्हारे क्या साथ। बात है, सुना ना। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, है ना? सिर्फ दोनों ही क्यों? अरे हमें काफी सारी बातें करनी जो है। भाई सिर्फ डिनर ही क्यों, पार्टी करेंगे ना हम। सुपर्ब। हाँ क्या बात है, ये अच्छी बात। याद है सालों पहले इन दिनों पर क्या हुआ करता था? सालों पहले का तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता भाई। मुझे तो कल की बातें ही याद नहीं रहती, सालों का छोड़ दो। क्या तुम्हें याद नहीं? नहीं नहीं याद नहीं है अजीज, किसी को भी याद नहीं, तुम किसी को भी याद नहीं। आज क्या है बताओ ना। आज बोलिए ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ बोलिए ना, पता नहीं क्या बोला, आप ही बताइए। अरे सालों पहले हम इसी दिन पर मिले थे, याद नहीं? ओ अच्छा, अब याद आया। ट्रेडिशनल सीनियर्स डे था आज। नहीं नहीं, हम तो यही ठीक है। इसलिए सेलिब्रेट तो करना बनता है। एनीवे मुझे टाउन जाना है, थोड़ा काम है। तुम लोग भी आ रहे हो मेरे साथ, ठीक है? और वो भी अभी के ठीक है, तो मैं आती हूँ। अच्छा हुआ कि तुम चले आए। चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू। अब मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो तुम मुझे लेकर चलोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अजीज मैं चलता हूँ। बाय। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है अजीज, बहुत अच्छे। वाह। रिगाटा कैंपेन से रिलेटेड एक भी आइडिया हमें अभी तक नहीं आया है। जॉन आप कुछ रैंडम चीजों के बारे में बताओ ना, आपकी बोट हवा में, हमें इंस्पिरेशन की सख्त जरूरत है, नहीं तो हम सबको अपनी जॉब से हाथ धोना होगा, और अगर कुछ नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा। हाँ कहानी बताइए ना। एक दिन आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आ जाते हैं और लोगों में इंस्पिरेशन बांटते हैं। बताइए ना आपकी समंदर की सवारी के बारे में। देखो सुनो, क्या बोलते, चुप कर। समंदर मुझे अपने आप से मिलवाता है, मेरे वजूद को मतलब देता है। मैं नोट्स लिखती हूँ। जब भी कोई नई जगह ढूंढता हूँ तो खुद में बस एक जान से मेरी पहचान होती है। समंदर मुझे आजाद महसूस कराता है। एनीवे मैं कैंपेन के बारे में सोचता हूँ। ओके जीजी, तुमने नोट्स लिखे? हाँ मैंने कर लिया। आजादी, डोंट वरी। आजादी, क्या हुआ लैला? हेलो, वेलकम डार्लिंग। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुम्हें दरवाजे पर ही पिकअप करने आ गया। मेरा बीपी लो हो गया। ओह थैंक यू सो मच सेलम, फूलों के लिए भी थैंक यू सो मच। अरे तो मेरा फर्ज है। रुको 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 रुको, अब आओ लेडी, अब आओ। थैंक यू। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काम की वजह से मैं शायद तुम्हें दोबारा ना मिल पाऊँ, पर ये फ्लावर्स मेरी तुम्हें याद दिलाती रहेगी। ओह तुम कितने स्वीट हो। ओह मेरे बच्चे तुम्हारा वेलकम करने के लिए खड़े हैं, थोड़ी देर भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। ये सलीम है, मेरे स्कूल का दोस्त, ये मेरा बेटा है और ये डॉटर। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर बेटा। हेलो, आप कैसे हैं? अरे इट्स माय प्लेजर माय लेडी। ओह थैंक यू सो मच। मॉम आपके पैर को क्या हुआ? वो सानिम के यहाँ से निकली तब अजीज और मेहरीबा को एक साथ देखा तो उनसे बात करने ही जा रही थी कि अचानक से गिर गई और पैर में मोच आ गई। अजीज मेहरीबा के लिए कोई अजीब सा फूलों वाला क्राउन लेकर आया था, पर अच्छा हुआ कि ये आ गए, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इतनी तारीफ मत करो मेरी। मुझे अकेले घर नहीं जाना था इसलिए सोचा कि तुमसे मिलने आऊं और थोड़ा रेस्ट भी कर लूं। जी मॉम, अच्छा किया आपने। घर है, आप कभी भी आ सकती हैं, अंदर आइए ना प्लीज, आइए। नहीं आई एम सॉरी, मुझे काम के सिलसिले से बाहर जाना होगा। आप दोनों खुश रहे, हम दोबारा मिलेंगे। ओ थैंक यू सो मच। डियर उमा, हम दोबारा मिलेंगे। ओके गुड बाय। Ha ha ha!
बाय बाय। What a gentleman, elite gentleman. Emre, बेटा साथ में अमेरिकानो पीने का मन कर रहा है। मॉम की आंखों में आपने चमक देखी? कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी बोट मेरे लिए बेची, पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ हमेशा देंगे। मैंने उन्हें अपनी रूह बेचने पर मजबूर कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी पंछी अपने प्यार की खातिर पिंजरे में कैद हो जाते हैं। मतलब मैंने उन्हें कैद कर दिया है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस पिंजरे का दरवाजा खोलो। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। आप सही कह रही है, उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। मैं उन्हें ऐसे अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। अगर मेरे दिल के कोई करीब है तो वो जान है। मिस्टर अजीज, मिस्टर अजीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम, तुम आज यहाँ कैसे? मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है बस। अभी? हाँ, थोड़ी अर्जेंट है। हाँ, अगर अर्जेंट है तो चलो कहीं बैठकर यहाँ वहाँ बात करते। सॉरी। आ जाओ आ जाओ, बाद में एक्सरसाइज करेंगे। हाँ चलिए। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नो प्रॉब्लम। वाओ, ये कितना टेस्टी है, कितना स्वीट है। चलिए अपना मुंह खोलिए, खाइए 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 खाइए। क्या देखा है कि मैं कैसे खा रहे हैं? बनाइए, ठीक है? मत बनाइए। निहार, तुम कितने प्यारे हो। अब खुश हो ना मिफ्के बे? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है। अब जाओ, फोन रखो, फोन रखो, रखो। हाँ मिफ्के बे, बाय। तुम अब एंजॉय करो सब लोग। बाय बाय, कहो बाय। चलो अपने दामाद को बाय करो। चलो बाय बाय। चलिए अब चॉकलेट की दुनिया में खो जाइए, खाइए खाइए। करिए आप, करिए ना, खाइए खाइए। अरे खाइए ना, आराम से। बहुत अच्छे। बात वाले ला, मैं बच्चा नहीं हूँ। खाइए खाइए करके मेरे मुंह में खाना ठूसती जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। हटो, मुझे जाने दो, हटो हटो। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, बिना खाना खाए आप नहीं जा सकते हैं। किंडरगार्टन में जा रहा हूँ, खेलने का टाइम हो गया मेरा। मेरा पीछा छोड़ो तुम लोग, मुझे वॉक पर जाना है, ये करना है वो करना है, बहुत कुछ काम करना है। इसे तो खत्म करते जाइए। डैड वॉक पर जा रहे हैं। डैड और वॉकिंग इम्पॉसिबल। मिस्टर निहात और वॉकिंग। अरे नहीं, ये क्या लगा रखा है इन्होंने? अब अकड़ो वाली पुडिंग खिलाई। अच्छा हुआ मैंने मेरी पसंदीदा चीजें इनकी नजरों से दूर छिपाए रखी है। पता नहीं मेरे पास कितना बड़ा खजाना है। इन्हें मेरी प्यारी पेस्ट्रीज और चॉकलेट, अब वक्त है तुम्हें खाने का। आहा, कहा ऐसी जगह छिपाई है जिसे कोई नहीं देख सकता। आ जाओ मेरी प्यारी। आहा, इन्हें देख कर मुँह में पानी आ गया। कौन सी वाली खाओ, इंकी पिंकी पोंकी पो, क्या फर्क पड़ता है, सभी खा लेता हूँ। आ जाओ मेरी प्यारी, मेरी प्यारी। आराम से, ये गई मुंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निहात कहाँ गए? इस शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर निहात यहाँ चॉकलेट ठूस रहे हैं। एवोकाडो पुडिंग जैसी हेल्दी चीजें छोड़कर वो चॉकलेट का सहारा ले रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। निहात, निहात, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों खा रहे हो चॉकलेट? मैं कहाँ खा रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था। तुम मेरा पीछा करना बंद करो। फिक्र मत करो मैफकिबे, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। जे जे प्लीज, सेलर क्लब का ब्रीफ खोलना जरा। मेरे पास कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे किसी ने मेल नहीं किया। अगर ब्रीफ नहीं मिला तो फिर हम काम कैसे करेंगे जे जे? अरे तुम बेकार में इस पे क्यों चिल्ला रही हो? जब मेल नहीं आया तो बेचारा ये क्या कर सकता है, इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हें तो बस मौका चाहिए इस पर चिल्लाने के लिए। देखो आए क्या चेक करो। हाय जान, आप ये डिजाइन देख सकते हो, हमें इसमें से एक चूज करना है। तो देखिए, सनम को देखा क्या कहीं? नहीं तो नहीं, उसका फोन भी बंद है। मैं मिसेस मेहरबान से पूछ लेता हूँ। पर ये डिजाइन, अरे वो सनम को ढूंढ रहा है ना, तुम बैठो ना, वो यही कहीं होगी। हम अपना काम करते ना, छोड़ो।
मुझे अब तक कोई मेल नहीं आया। जे जे एक बार तुम स्पैम में चेक करो। हाँ वहाँ हो सकता है, देखता हूँ। हमारी लाइफ स्पैम है इसलिए हमारे मेल्स भी स्पैम है ये जोक कर रहा है, जोक पर इसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, हंसती नहीं है ओ मेरे प्यारे प्लांट, तुम बड़े हो गए। मिसेस मेहरबान, हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना था। सनम यहाँ आई थी क्या? उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। नहीं, सनम को मैंने कल रात को देखा था, काफी कंफ्यूज लग रही थी। अच्छा ठीक है, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू। अरे अरे ये क्या है, छोटे बच्चों की तरह यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ मैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते ये लोग, तंग करके रख दिया है मुझे, कितना काम बचा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम निहाद। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा सैंडविच मैं अभी देता हूँ, रुको रुको देता हूँ। नहीं मुझे सैंडविच नहीं, चॉकलेट चाहिए। केक चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं ये मुझे एक नहीं, सारे चाहिए, दे दो है? मुझे 20 चाहिए। हाँ, सारे ठीक है, क्या बात, सारी पैक कर दीजिए, ये सारी पैक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ सारी दे देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अच्छे अंडे साइड में निकाल कर रखे हैं अभी। नहीं नहीं, आज मैं अंडे लेने नहीं आया हूँ, कुछ और लूंगा मैं, तुम इसे पैक कर दो प्लीज, मुझे ये चाहिए। मुझे और भी सामान लेने, मैं जरा चेक करता हूँ। निहाद भाई मुझे भी कैंडीज देना, मुझे ये सारी की सारी चाहिए है ना। क्या है ये, क्या हो रहा है ये, कैंडीज चाहिए, केक चाहिए, ये सब कुछ पैक कर दो, मीठे में सब कुछ पैक कर दो। ठीक है, आप क्या कर, मुझे ये चाहिए। अच्छा ये उसके एक मिनट मैं देता हूँ। आपको वो आपको भी चाहिए? ओके हाँ, ये आपने ले लिया, आपने ये ले लिया, सारे जो भी है ना वो नहीं, ये वाली चाहिए। क्या तुम लोगों को मैं बच्चा लगता हूँ? मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, जरूर तुम्हें उस मेलात ने भेजा है ना मेरे साथ मजाक करने के लिए। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चुप रख दो। नहीं देते कुछ नहीं, मैव की बे तुम कब आई यहाँ? जरा मुझे रास्ता दो, मोहल्ले वालों मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम ये चॉकलेट और कैंडी, हाँ मेरे भी खाते में लिख लेना, मेरे भी लिख लेना। ठीक है मैं लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखो, लेता हूँ, चलता हूँ। बारी बारी तुम्हें पता है, लैला ने मुझे फोन किया और उसने बताया कि तुम बहुत मीठा खाने लगे हो और मुझे इसलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ वापस। तुम मेरी जान हो। नहीं मुझे पता है, जब तुम्हें मेरी याद आती है तो चॉकलेट्स खाते हो, इससे अच्छा तो मुझे कॉल कर लेते, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना मेरे मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। पर ये सब जंक फूड खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तुम खा रहे थे, क्यों खा रहे? मेरी मेवकेबे, प्यारी मेवकेबे, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, कभी सुना मेरी प्यारी मेवकेबे? हाँ हमारे पास विजुअल्स के दो ऑप्शंस हैं, मिस्टर जान अभी बिजी हैं तो फिलहाल वो अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे सकते। मिस्टर मुजफ्फर आपने मेरे लेफ्ट साइड का विजुअल लेफ्ट वाला अच्छा है, स्ट्राइकिंग है, बहुत परफेक्ट है, इसको बड़ा बड़ा छापेंगे और चिपकाएंगे। राइट वाला पसंद है ना? तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बुलुत? एक सेकंड ये सही बात नहीं है, मुझे कुछ कहना है। आपने मूजो से ओपिनियन क्यों मांगा जबकि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है? आई एम सॉरी मिस्टर जेजे, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। ये लोग मेरा ओपिनियन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए अपना अटेंशन, फोकस, दिल और जान सब कुछ लगा दिया, ठीक है? और तुमने क्या लगाया है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जवाब देना जरूरी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जवाब देना जरूरी है? हाँ अगर आपकी परमिशन हो तो। आई एम सॉरी, मैं हम सभी का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर क्या है ना मुझे कुछ चीजें पैसे से खरीदी नहीं जाती, जैसे कि विजन और टैलेंट। दोस्त ये फालतू की फिलोसफी किसी और के लिए बचा के रखो, मेरे लिए काम नहीं करेगी ये सब। बोलो सुन के मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं एक कप कॉफी पी लेता हूँ, ठीक है? और तुम्हारा विजुअल मुझे एक भी पसंद नहीं यार, आई एम सॉरी यार, ये आदमी हमारे टैलेंट को जज करने वाला कौन होता है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और
मैंने तुम दोनों से ये सवाल तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पूछा था। फाइनल डिसीजन मैं ही लेने वाली थी, फॉर गॉड्स सेक। कान दर्द दे रहे हैं मिस डेरेन, चिल्लाइए मत। मिस डेरेन बिल्कुल सही है, तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी जेजे? ओ मूजो कम ऑन, झगड़े को बढ़ावा भी तो तुम ही ने दिया था ना। मैं अब थक चुकी हूँ, मैं जान से कहूंगी कि मैं अब तुम दोनों को और नहीं झेल सकती, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? व्हाट्स अप ब्रो? सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, आ जाओ। क्या बात है बोलो। अंदर आओ, बताता हूँ मैं। फोन बंद है, पता नहीं क्या करूं मैं। भाई शायद वो किसी काम में बिजी होगी। यार कहीं वो किस उसकी फेयरवेल किस तो नहीं थी? आई होप ऐसा नहीं है। आई होप मैं जानता हूँ लैला ने बताया था। बैठो भाई। देखो भाई, सनेम भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही होगी तुम्हारी तरह। हाँ, I'm sure वो कुछ ज्यादा ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रही होगी। भाई देखो, एक तो तुम साल भर बाद लौटे हो और आते ही उसके बिजनेस पार्टनर बन गए। देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा टाइम लो, जस्ट टेक इट इजी भाई। देखो सनेम ने तुम्हारे बिना काफी मुश्किल जिंदगी काटी है, हमने देखा है। मैं ये जानता हूँ भाई कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। हम साथ मिलकर सोच समझ कर डिसीजन लेंगे जिससे हम दोनों खुश हो। आई होप सो भाई। मिस्टर जॉन, आप विजुअल्स चेक करिए और बताइए। अरे तुम भाग क्यों रहे हो जेजे? ऐसा थोड़ी है कि इसके विजुअल्स पहले देखेंगे उसी के सिलेक्ट होंगे, जिसके अच्छे होंगे वही सिलेक्ट होंगे। मेरे वाले ये देखो, ये वाले देखो, तो फोटो निकालनी भी नहीं है तुम्हारी। नॉर्मल समुद्र की फोटो नहीं है, क्या ग्रेट है, बस बड़े मार दो बेकार की। पहले मेरे विजुअल्स, मेरे अच्छे हैं। गाइस 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 एक मिनट, बस एक मिनट, मेरी बात बताइए, आपको कौन सा वाला पसंद आया बताइए ना। छोड़ो, मेरे साथ सी साइड पर चलो, अभी के अभी सी साइड पर चलो मेरे साथ। सवाल बाद में पूछना। अच्छा चलो ना मेरे साथ। ये तो बता दो कि मेरे वाले विजुअल ज्यादा अच्छे थे ना, है कि नहीं? जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ मिस्टर अजीज, सुनिए ना। कम ऑन, आ जाओ ना। चाहे कितने भी विजुअल्स क्यों ना बना लो, पर सिलेक्ट मेरे ही होंगे क्योंकि मुझे हराना बहुत ही मुश्किल है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे अपने ऑफिस बॉय वाली जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी, कितनी सुकून की जिंदगी जीता था, एकदम सॉर्टेड। और अब देखो मस्का लगाने में बिजी हूँ मैं, कमाल हो गया। तो जेजे, आई कैन अंडरस्टैंड, पर बाद में रोना ठीक है। मुझो आ गए। सनम, मेरी पुरानी बोट यहां कैसे आ गई? आपकी बोट? हाँ, पर मैंने ये बेच दी थी। हाँ, वो अमेरिकन पब्लिशर से कुछ एडवांस पेमेंट मिला था, तो मैंने आपकी बोट वापस जाकर खरीद ली, सरप्राइज। ब्रावो, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, ब्रावो। बहुत बढ़िया, वाह। पर ये सब क्यों? बाद में एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सनम, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ठीक है। थैंक यू कहने के लिए ले गए हैं। हाँ, जाने दो। ऐसा लगता तो है। देखा, खुश हो गए ना? सनम, मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज। क्यों? आपने ये बोट मेरे लिए बेची थी, तो आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने इसे बेचा था क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब मुझे ये बोट नहीं चाहिए सनम। नहीं, आपको बोट की जरूरत है, इसमें आपकी रूह बसती है, इस बोट से आपको खुशी मिलती है। जान, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए, जिस पिंजरे में आपने खुद को मेरे लिए कैद किया था, आज उससे मैं आपको आजाद करती हूँ। अब इस बोट को लेना ना लेना आपका फैसला है, मैं नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए, आप तय कीजिए। अब इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं इनके बीच ऐसा लगता फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? आप समझ नहीं पाएंगे, इनका प्यार यूनिक है, कभी आर्ग्यू नहीं करते। जाने दीजिए, हम में से कोई इन्हें समझ नहीं सकता, जाने दीजिए।